इस समय पूरे देश में 39 भारतीयों के इराक में लापता होने का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक ओर उनके परिजन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके परिजनों को सरकार आश्वासन दे रही है कि वो जल्द ही उनके परिजनों को इराक से वापस लेकर आएगी। लेकिन इसी बीच अमित शाह ने बयान दिया है कि जो उनके परिजनों को ढूंढने का काम किया जा रहा है वो अभी तक जारी है, उन्हें जल्द ही वो सरकार भारत लेकर आएगी। इराक के मोसुल में लापता 39 भारतीयों का सुराग नहीं मिलने का खुलासा होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी है। जयपुर में उन्होंने कहा कि मोसुल में लापता भारतीयों की तलाश अब भी जारी। एक रिपोर्ट के खुलासे के बाद ये पहली बार जब सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है। दरअसल आपको बता दें, एक निजी चैनल की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि उन 39 भारतीयों का इराक में कोई सुराग नहीं है, तो सरकार उन भारतीयों को कैसे भारत लेकर आएगी। हालांकि अभी तक इस मुद्दे पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। बता दें, एक रिपोर्ट में इन भारतीयों को लेकर से खुलासा किया गया कि इराक में जहां इनका लापता होना बताया जा रहा है, वहां उन भारतीयों का कोई सुराग ही नहीं मिला है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये भारतीय गए तो कहां गए। आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस वक्त राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आज अपनी एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ मैं पूनम पनौरिया, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।